Fuso is the best. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब? खैर खैरियत से उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक होर फुसो कैंटर जापानीज ट्रक 20 फुट लेंथ के अंदर डिलीवर होने जा रहा है। ठीक है, इसका कम्प्लीटली फीडबैक आपको मैं कस्टमर का दिलवाने लगा हूं। ये मेरे साथ ही बैठे हैं जावेद भाई, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे, और इनको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर मैंने इनको फुसो कैंटर डिलीवर कर दिया। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर इनका जो केस है वो हो गया है। बाकी कम्प्लीटली फीडबैक जो है वो इनसे लेते हैं। माशाल्लाह इन्होंने इसके पीछे क्या काम करना है, क्या हिसाब है, चलाएं चलते हैं इनके फीडबैक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जुवेद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह की रहमत जनाब। माशाल्लाह पहले नंबर पर तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपके नए जापानीज ट्रक की। खैर मुबारक। क्या आपसे थोड़े से सवाल है, वो आपसे मैं पूछूंगा, आप उनका काइंडली आंसर कीजिएगा। जी जी। आपके पास इससे पहले कौन कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं? सर मेरे पास इससे पहले बेडफोर्ड और सीजो। सुजो का कौन सा मॉडल रखा हुआ है? सुजो ओल्ड मॉडल है मेरे पास, टीएक्स वगैरह। टीएक्स वगैरह, तो माशाल्लाह अभी आप फुसो कैंटर ले रहे हैं 20 फीट के अंदर, इसकी क्या रीजन है? सर मैं ये न्यू गाड़ी ले रहा हूँ और इस पे शुरू करूंगा बिजनेस। ये सर टर्बो इंटरकूलर है, इसकी वजह से मैं इसको ले रहा हूँ। और दूसरा ये है कि इसके अलावा टर्बो इंटरकूलर और पाकिस्तान में गाड़ी डेट्रो के अलावा और हीनो डेट्रो के अलावा कोई दस्तयाब नहीं। यानी कि हीनो और मिट्सुबिशी इस टाइम टर्बो इंटरकूलर में है, सुजो में भी इंटरकूलर नहीं आ रहा, खाली टर्बो आ रहा है सुजो का भी। चले माशाल्लाह, और रेट भी इसका आपको मुनासिब लगे, क्या रेट, किस रेट में आप मुझसे लेके जा रहे हैं? सर मैं ये जी अवैस साहब की मेहरबानी से जो है ना ये 750 की 4750 की जो है ना परचेज की मैंने इनसे। और अभी मौजूदा क्या रेट हो गया है? मौजूदा रेट सर इस वक्त तकरीबन 56 लाख। यानी कि आपको माशाल्लाह हमारे पास आने से कोई 9 लाख 8.5 लाख रुपए आपका बच गया। जी बिल्कुल ऐसे। चले हमें दुआएं दीजिएगा, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, माशाल्लाह आपको ये रेट लग गया है, क्योंकि आपकी पेमेंट को 1 माह हो गया है और आपको आप मुकद्दर से ही आपको ये रेट मिला है। ठीक है, और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ पूरा तावन किया। बाकी आप हमारे से खुश हैं कि ना खुश हैं? सर मैं आपसे बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत तावन किया है और मेरे लिए कुछ 7-8 लाख रुपए गाड़ी सस्ती मिली है। चले माशाल्लाह। और गाड़ी आप मेरे पास किस तरीके को आए थे, जब लेने आए थे? सर मैं आपके पास आया था तकरीबन 23 जनवरी को मैं आपके पास आया था और 31 जनवरी को मैंने पेमेंट की थी। 31 तक आपका चेक रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी उसके बाद जो टाइम जितना लगा वो आपके अप्रूवल में लग गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो 15 से 20 दिन जो आपके लगे हैं उसमें माशाल्लाह आपको 7-8 लाख रुपए का फायदा जो है वो हो गया। अच्छा, अब अगला सवाल ये करते हैं जावेद साहब, आपने इसके ऊपर लोड क्या करना है अपने ट्रक पे? सर इसके ऊपर मैंने कंटेनर रखना है और लोड तकरीबन 10 टन के करीब लोड होगा। ठीक है, 10 टन डालेंगे आप इसके ऊपर, किस चीज का लोड डालेंगे? सर गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि जो आप 10 टन वजन डालेंगे इसके ऊपर वो आपका साफी वजन होगा। जी। खाली पे लोड जिसको बोलते हैं, गाड़ी का बॉडी का वजन निकाल के। जी जी। यानी कि अगर हम इसको टोटल करें, इसके कर्ब का वेट भी डालें, गाड़ी का भी वेट डालें, तो ग्रॉस व्हीकल वेट हमारा टोटल आपके वजन के मुताबिक कोई 13-14 टन चला जाएगा। जी। ठीक हो गया। नहीं जी जावेद साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करके, अल्लाह ताला आपके नसीब में करे। बाकी कस्टमर को थोड़ी सी इसकी ट्रक की भी थोड़ी सी डिटेल आगे प्रोवाइड कर देते हैं। व्यूअर्स अभी हम मिलके आपको थोड़ा सा रिव्यू चेक करवा देते हैं। अच्छा जावेद साहब, जरा सल्फ करें, बिस्मिल्लाह स्टार्ट करें गाड़ी। नहीं जी माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है, जरा स्टीयरिंग चेक करवाइएगा ऑडियंस को। ये देखें बहुत हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है इसका, सादा स्टीयरिंग नहीं है, मिट्सुबिशी का जेन्युइन स्टीयरिंग है,
और ऊपर ये देखें आपको प्रॉपरली तौर पर लोगो भी है इसका, वो भी आपको मिल जाता है। उसके बाद जैपनीज के अंदर ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज रखवाना चाहें, कोई टेप इंस्टॉल करवाना चाहें, कोई भी चीज इंस्टॉल करवाना चाहें तो यहाँ पर आप करवा सकते हैं। उसके बाद अगली मजे की बात, इसके बारे में आपका क्या क्या ख्याल है गियर बॉक्स के बारे में? मेरे ख्याल बड़ा यूनिक है और इससे पहले किसी गाड़ी में नहीं है गियर बॉक्स यहाँ पे। अमूमन जितनी भी गाड़ियाँ ट्रक्स है ना उनका गियर बॉक्स यहाँ पर मिलता है, और ये जो स्पेस है ना कैबिन की, यहाँ पर गियर बॉक्स होने की वजह से वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे। बंदा इजी नहीं रहता। अब यहाँ पर देखे ना, मैं इजी होकर बैठा हुआ हूँ, फुल इजी हूँ, इजी और स्पेस ज्यादा कैबिन की होगी इस वजह से, और आसानी रहती है। अगर तीन आदमी भी बैठे हो तो ये इसको आप आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है जी, ये कंफर्टेबल लेवल इंक्रीज हो गया इसका ना, कंफर्टेबल है। चले माशाल्लाह। उसके बाद आपको यहाँ पर 24 वोल्ट का लाइटर केस, लाइटर का भी ऑप्शन है यहाँ पर, इंडिकेटर, जेन्युइन जापानीज टेप वगैरह, एसी डक्ट आपको मिल रही है। एसी की इसमें, इसके अंदर ना एक और चीज है जवेद साहब, एसी की जो सेटिंग है ना वो सारी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आपने सिर्फ कंप्रेसर रखवाना है कि वो भी कैबिन के नीचे आएगा, कंप्रेसर जो होगा आपका, ठीक है। फिटिंग वगैरह सारी ओके है, हीटर वगैरह आपको इसके अंदर जो है वो चालू मिल जाता है, ठीक है जी। लेकिन जी ये कैबिन के बाद एक और चीज ये देखें, अक्सर गाड़ियां होती हैं कैबिन की सीट के पीछे स्पेस ही नहीं होती, तो ये आप इसकी स्पेस भी चेक कर सकते हैं। अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी ने इसके पीछे जो है ना कैबिन के पीछे कंफर्टेबल जोन भी दे दी है, स्पेस अच्छी दे दी है, यानी कि आप इजीली अगर लॉन्ग रूट के ऊपर हैं तो आप सीट जरा एडजस्ट करके दिखाइएगा कहां तक जाती है। ये देखिए माशाल्लाह पूरा कंफर्टेबल लेवल है आपका, ठीक है जी। सो व्यूअर्स, एक दफा इसका प्रॉपरली तौर पर रिव्यू करें तो अगर आप इसको हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके एनी टाइम 24 आवर्स आप इसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो इसकी बेसिक टेक्निकल पॉइंट्स हैं ना वो आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहले नंबर पर तो मैं आपको बता दूँ कि ये गाड़ी अप्लाइड फॉर जा रही है सुभान मोटर्स गुजरांवाला से, जो कि ऑथोराइज 3S डीलर है मास्टर मोटर कॉर्पोरेशन पीवीटी लिमिटेड का। पहले नंबर पर अगर हम देखें कि हमने अगर इसका चेसिस टैली करना है, जब भी हम नई गाड़ी लेते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी चेसिस मिल जाता है। दूसरे नंबर पर आप जब आएंगे ना अपने ड्राइवर साइड से, नहीं जो लेफ्ट साइड पर होगा ना यहाँ से भी आप अपने चेसिस को टैली कर सकते हैं। ये तो अपना चेसिस भी टैली कर सकते हो तुम, ठीक है, चेसिस चूसिस भी टैली करना चाहो ना कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें फूसो कैंटर, जो कि एक जैपनीज टेक्नोलॉजी है यूरो 2 के अंदर है, ठीक है, ये देखें यूरो 2 टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसने इतना ही फ्यूल आपका अब्सॉर्ब करना है जितनी इसको ज़रूरत है, बाकी जो है इसने आपका रिजेक्ट कर देना है, इंजेक्ट कर देना है, बाकी फ्यूल्स की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे अगर हम बात करें कि ये जो चेसिस जा रही है ना, ये जा रही है 20 फीट के अंदर, ठीक है, 20 फीट चेसिस है, सही है, ये आप देख सकते हैं। वैसे आपका इसके टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से चंद सवाल आपके साथ करता हूँ कि आप ये गाड़ी रिकमेंड कर रहे हैं तो फ्रेम की क्या कंडीशन है इसकी? सर फ्रेम इसका जेन्युइन डबल है। हाँ जी, और मुझे डबल नहीं करवाना पड़ेगा, फ्रेम जेन्युइन डबल है, जरा चेक करवाइएगा जी। ये देखे, ये यहाँ से नहीं डबल, ये स्टार्ट से लेके ना फुल एंड तक भी आप चले जाएंगे ना, ये मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करवा देता हूँ। ये देखे फुल एंड तक फ्रेम की जो धार है वो आपको डबल ही मिलेगी। उसके बाद मुझे एक और बताए, कमानियों के पट्टों के बारे में क्या ख्याल है आपका? अजाफी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कमानियों के पट्टों को, साथ में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको देखेंगे चला आगे, ठीक है। अगर आप कमानियों के पट्टे इंक्रीज करवाते हैं ना तो एक टेक्निकली बात है, आपने शाख्स को भी एडजस्ट करवाना है, आपको बड़े करवाने पड़ेंगे, ठीक है, खाली बड़े नहीं करवाने, इनको वेल्ड भी करवाना पड़ता है ताकि शाख जो है एक्सेस लोड की वजह से ना लीक ना हो जाए। अगर हम खाली कमानियों के पट्टों को इंक्रीज करवा लेते हैं ना और शाख को हम बड़ा करवा के उसके साथ वेल्ड नहीं करते तो शाख लीक हो जाते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना। व्यूअर्स, 6 व्हीलर के अंदर ये कमर्शियल ट्रक आता है 16 फीट, 18 फीट और 20 फीट के अंदर, 7/50/16 के इसके अंदर टायर इस्तेमाल किया जा रहा है और 4.5 इंच का जो है वो रिम साइज इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। आपको रिम भी चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपका वजन 9-10 टन है। अगर आपका इससे एक्सीड वजन, आप 13-14 टन पे लोड उठाते हैं, फिर आपको रिम की भी चेंज करवाने की जरूरत बाज़ औक़ात पड़ जाती है। चले अभी आपको इस कमर्शियल ट्रक के कैबिन के ऊपर से भी रिव्यू, अंदर से भी चेक करवाता हूँ, ठीक है, मजीद जो डिटेल है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और जो डीजल टैंक है ना इसका, ये इसके अंदर आप देख सकते हैं 100 लीटर का डीजल टैंक आपको इसके साथ जो है वो मिलता है। चले अभी चलते हैं
मजीद आ गए। और ये देखें इसका कैबन जो है वो मूवेबल कैबन है, ये लॉक थोड़ा सा ना यहाँ से हो गई है, देखें चलें जी बिस्मिल्लाह उठा दें, ये देखें बड़ा स्मूथनेस लेवल के ऊपर इसका कैबन है, ये देखें कैबन माशाल्लाह जा रहा है। ये यहाँ पर जाके ना एट द पॉइंट पे इस जगह पर ये लॉक हो जाता है, लॉक हो जाए आप इसको छोड़ दें, ठीक है। ये इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है ना ये कैबन का वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखें ये ट्रक है, ट्रक चेसिस है, अब इस ट्रक चेसिस की बैक साइड पर जो है ना वो प्रॉपरली तौर पर कंटेनर बनता है आपका, जब कंटेनर बनता है अगर ये कैबन आपको मिल जाए फिक्स, उसका सबसे ज़्यादा मसला ये पड़ता है कि आप उसको प्रॉपरली तौर पर उठा नहीं सकते, अगर इंजन ऑयल चेंज करवाना है तो बहुत मसला पड़ता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जनाब सिर्फ कैबन ऊपर किया, इंजन ऑयल चेंज किया, पानी चेंज किया और अपने काम पे निकल गए। उसके बाद ये अंदर से आप इसका देख सकते हैं इंजन की कैसी ज़बरदस्त किस्म की कंडीशन। सो व्यूअर्स अगर हम कैबन उठाकर अंदर का अगर मुआयना करें तो आपको यहाँ के ऊपर भी आपका जो इंजन नंबर है वो आपका मेंशन होगा, आप यहाँ से भी टैली कर सकते हैं। उसके बाद ये चार सिलेंडर के अंदर गाड़ी आ रही है, मिट्सुबिशी का जैपनीज चार सिलेंडर के अंदर इसका इंजन आपको मिलता है, 3907 सीसी टर्बो इंटरकूलर 136 हॉर्स पावर, ये देख सकते हैं इनलाइन सिलेंडर है, पिस्टन जो इसके है ना एक लाइन के अंदर है, ठीक है। बेहतरीन तरतीब के साथ इन्होंने पिस्टन को जो है वो सेट किया हुआ है, बैठाया हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट है। हासिल करना चाहे तो नीचे आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा, एनी टाइम 24 आवर आप कॉल करके इसको हासिल कर सकते हैं। Also is the best।